जिन्होंने आपको फॉलो किया है, आपकी मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर बनने की कहानी बड़ी पॉपुलर है, कई इंटरव्यूज़ में हमने सुनी, लोग उसे सुनना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हम स्पेशली युवा वर्ग को एक होप देती है कि हम वो हैं जो जहाँ पे ठोकर मारे वहाँ से पानी की धारा बहा सकते हैं। बिल्कुल, ये होप आपकी कहानी से, जो आपकी रियल लाइफ स्टोरी है, उससे हमें और मिलता है। वो स्टोरी हमने सुनी हुई है, लेकिन मेरा सवाल इसमें थोड़ा और अंदर घुस के है, वो ये कि मैं मेरे पिताजी का जो गांव है फैजाबाद लगता है, अरे वाह, तो अवध की है जी, अब तो हर जगह के ही हो गए हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, हर जगह के ही हो गए हैं अब तो, कहाँ कौन कहाँ का रहा, मेट्रो सिटीज में रहते रहते। खैर, तो मुझे वहाँ लाइफस्टाइल का थोड़ा सा आइडिया है। मैंने देखा है कि मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े छोटे लड़के, व्हेन दे स्टार्ट ड्रीमिंग, लड़कियों की तो खैर अनफॉर्चुनेटली शादी के बारे में सोचते हैं, लड़के जब ड्रीम करना चालू करते हैं, अब शायद बहुत कुछ बदल भी गया है, एवरीथिंग इज नॉट नेगेटिव, लड़के जब ड्रीम करते हैं तो क्या कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें बाइक चलाने को मिले, खूब बाइक चलाएंगे पूरे गाँव में, या फिर एक बढ़िया सी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हैं और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे, बिग ड्रीम्स। ऐसे में एक लड़का मनोज 90s में सोच रहा है कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वो ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को शायरी का शान नहीं पता होता, ना ही गज़ल सुनने का शऊर होता है। कैसे देखा आपने वो सपना? और एक चीज़ और, सॉरी टू आपको बोलने नहीं दे रही हूँ मैं, वो एक मेंटल स्ट्रगल भी रहा होगा कि ये अपनी बात समझा पाना कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बार आपने खुद को कन्विंस कर लिया ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, दुनिया को कन्विंस करना बहुत आसान है। ये बड़ा ओवररेटेड वाला थॉट है कि यार पापा नहीं मान रहे हैं, यार मम्मी नहीं मान रही हैं। सच ये है कि आप खुद नहीं मान रहे हैं, आपके अंदर से वो आवाज़ नहीं आई है, वो कॉन्फिडेंस वाली जो आवाज़ होती है ना कि नहीं यही करना है हमें, वो आवाज़ आई नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसा कि आपने बोला मोबाइल रिपेयर शॉप, और आप अवध की हैं तो मुझे ये मोबाइल और अवध का कनेक्शन आते ही रफ़ीक शादानी याद आते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ कहते थे वो कि एक हाथ माँ हैंडल दूसरे माँ मोबाइल, सुना है ना, एक हाथ में हैंडल दूसरे माँ मोबाइल, दिल रहा दिल वाली माँ, साइकिल घुस गए नाली माँ। एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। तो अच्छा, एक चीज़ है कि वो जो इलाका है जहाँ की मैं पैदाइश हूँ सुल्तानपुर, वो अदबी तौर पर रिच बहुत है, ऐसा नहीं है। सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, वो पूरा जो अवध का इलाका है, वहाँ हम बहुत कल्चरली रिच हैं। ये और बात है कि 90s में ये तसव्वुर बहुत मुश्किल था, ये सोचना कि हम सब कुछ छोड़ के और फिल्मों में जाएंगे जहाँ आपको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे। लेकिन जब एक बार तय कर ही लिया तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना। और शायर होना, इसके बारे में सबसे अच्छी जो तस्दीक है वो अरुण जी कर सकते हैं, इन्होंने पता नहीं पूरी ज़िंदगी गुजारी है बड़े शायरों बड़े लोगों के बीच में। ये चॉइस है नहीं, बाकी चॉइस है आपके पास कि आपको जर्नलिज्म करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको MBA, ये सब चॉइस है, पोइट्री चॉइस है ही नहीं है, इट हैपेंस टू यू। एमिली डिकिंसन कहती थी पोइट्री इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड, तो जब वो गॉड डिक्टेशन देता है तो आपकी क्या मजाल की आप डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं ये बात जानता था कि अगर मैं पोएट नहीं बना तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, तो खत्म होने से अच्छा है, शून्य होने से अच्छा है, बर्बाद पामाल होने से अच्छा है कि यहां ट्राई करके देखो, यहां संभावनाएं हैं, बाकी तो कहीं मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बाकी अंदर से कोई आवाज नहीं आती, कोई कॉलिंग नहीं सुनाई पड़ती। तो ये बात जो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर की, अब आप सोचें कि मेरे पिताजी किसान थे, किसान हैं और अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, वो ऐसा नहीं कि उनकी दुनिया अचानक बदल गई, लेकिन ये कमाल है कि उन्होंने मेरी इस बात को सुना, एक ही गुजारिश की कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद जो मन में आए करो।